চাবে তো এটা নেবে নাকি এটা নেবে না এ এ এ না শোনো না এ এর তোমার খারাপ কি লাগে लुक्स भालो ताश हर किसी ने जैसे सिचुएशन में इतना पुलिस है इतना कैमरा प्रेस सब है इधर आके थोड़ा सुपर बाइक लेके गए टेप कर देते तो बस पूरा जेल। तो हेलो गाइस गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। तो अभी बज रहे हैं आफ्टरनून के 5 और अभी हम जा रहे हैं भूसा पे। अभी पहले जाएंगे आतिश भाई के पास क्योंकि 2-3 राइड कर चुके हैं और उसके पहले लॉकडाउन था तो गाड़ी घर ही में था। सो आफ्टर राइड करने के बाद चेन से थोड़ा आवाज़ आ रहा है, चेन थोड़ा लूज हो गया और चेन को ल्यूप भी करना है और इसीलिए मैंने सोचा कि फिर संडे आ रहा है तो इससे पहले वो काम करवा लेते। और अभी जा रहे आदर्श भाई के पास, उसके बाद जाएंगे उधर से धर्मतल्ला मेट्रो के लिए जाएंगे क्योंकि आप लोग सभी बोल रहे हो और मैं भी देखा कि मेरा माइक में साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है और सभी भाई लोग बोल रहे हो कि साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि माइक चेंज कर लेते हैं। तो एक माइक भी खरीद लेंगे, ऑनलाइन परचेस क्यों नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टेस्ट करके देख लेते हैं कौन अच्छा परफॉर्म करता है, वही वाला लेना है। तो इसीलिए अभी चलते हैं, पीछे जाहिर है प्रोटोक्रेटी में, तो ये आदेश भाई के पास रख देंगे, उधर से जाएंगे अपन मेट्रो गली, उधर जाके देखते हैं कौन सा माइक अच्छा होता है, कौन सा माइक बेस्ट परफॉर्म करता है, वही वाला लेंगे और देखते आ गया है क्या होता है। पता नहीं अभी साउंड कैसा आ रहा, सो गॉड नोज। जो माइक लेंगे वो सिर्फ अच्छा आ जाए साउंड क्वालिटी बस, और कोई कोई भाई लोग बोल रहे हैं कि क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा। मैं तो अभी GoPro से शूट कर रहा हूँ, इससे अच्छा क्वालिटी कैसे आएगा मेरे को तो नहीं पता, थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाता है क्वालिटी, क्यों होता है मेरे को पता नहीं चलता और मेरे को लगता है शायद वेदर की वजह से थोड़ा बहुत होता है, वेदर का जैसे लाइट रहता है वैसा क्वालिटी आता है मेरे को लगता है इससे। अगर ये होता है किसी को मालूम है तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करना और वीडियो को पूरा देखना, लास्ट 2-3 वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा बैर दिया है। सो ऐसे ही देते रहना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं। तो बाइक इधर दे दी है, अभी जा रहे हैं प्लैनेट मतलब धर्मतल्ला और मेट्रो गली में अपना माइक के लिए, उधर माइक देखते हैं कौन सा अच्छा होता है, फिर आते हैं इधर। बाइक तो आज देने वाला नहीं है क्योंकि बाइक आज काम नहीं होगा, कल होगा तो कल शाम को मिल जाएगा। ये बाइक भी कितना गंदा हो चुका है, इसको भी साफ करना पड़ेगा, इसको अभी तो निकल नहीं सकते डेली, किसी काम से तो बाहर इतना जाते नहीं है, थोड़ा बहुत जब काम होता है तभी निकलते और जैसे नहीं निकलते, तो इसीलिए ये भी पूरा गंदा हुआ है, इसको भी साफ करना पड़ेगा, देखते कब होता है, पर इसको भी कर लेंगे जब हम भूसा लेने आएंगे तभी इसको दूसरे को दे देंगे थोड़ा बस करके पुलिस वोलिशन सब कर देगा। इधर आए गए मेट्रो गली पे, ये पूरा ही अपना कैमरा का दुकान है चारों तरफ, इधर भी है, इधर पहले थोड़ा फाँका में देख लेते हैं, कहीं अगर नहीं मिला तो फिर देखते हैं इधर।
तो इधर तो मिला नहीं, जो माइक हम यूज़ कर रहे यही दिखा रहा है, तो इससे तो होगा नहीं क्योंकि ये मैंने यूज़ कर लिया, अच्छा क्वालिटी नहीं है इसका, साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो बोया का एक और माइक आता है, ये जो हम यूज़ करते हैं ये मॉन है, तो इसका साउंड क्वालिटी एकदम ही अच्छा नहीं है। तो एक और आता है थोड़ा छोटा तार वाला, वो अलग है, मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। दुकान पे देखते हैं, देखते भी ये दुकान पर भी नहीं है, कहाँ मिलेगा अब, कहीं नहीं मिला, तो एक ही ऑप्शन है। और जो माइक हम लेना चाहते हैं वो मैंने ऑनलाइन पे भी देखा है, तो ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है अभी, तो देखते हैं आगे, और तीन चार दुकान है इधर, देखते हैं, नहीं मिला तो बस फिर से लोचा हो जाएगा। काम हो गया है माइक, बहुत ढूंढने के बाद करीबन 6-7 शॉप ढूंढे, उसके बाद एक शॉप में मिल गया है फाइनली। और ये कुछ कोडक का आता है माइक, देखा एक बार आ गया माइक, ये कुछ कोडक का कुछ आता है, 1000 रुपीज़ लिया है, देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है, इधर से देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है, ये अगर इंशाल्लाह अच्छा आ जाएगा तो बस हो गया, वरना फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, फिर कुछ माइक टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे साउंड चेक किए हैं इधर ही करीब से, ऐसा साउंड चेक करने से इसका असलियत पता नहीं चलता, जब तक कि थोड़ा बाइक स्पीड में नहीं भगाते ये बाइक, फिर भी ये जो माइक यूज़ कर रहे हैं हम 80-100 के ऊपर जाने से ही एकदम वो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ करने लगता है। तो ये देखते हैं एक बार, भूसा पर टेस्ट करना पड़ेगा, लग तो रहा है कि पीछे का टायर का हवा कम है इसीलिए थोड़ा भाग नहीं रहा है गाड़ी, एक ही बार माधव भाई का उधर ही हवा भी चेक कर लेंगे और चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है। अगर सुपर बाइक लेके इधर आके थोड़ा रेप कर दिए तो ऐसा सिचुएशन में इतना पुलिस है, इतना कैमरा प्रेस सब है, इधर आके थोड़ा सुपर बाइक लेके गए रेप कर देते तो बस पूरा जेल। वो भी छूटने का कोई नाम नहीं है। तो इधर आए थे आते जाए जॉय भाई का, ऊपर से घर जाना पड़ता है, तो एक बार सोचे मिल लेते, मिल लिए, जावेद भाई भी है इधर, सब इधर ही रहता है। और न्यू स्टॉक आया, ये डेटोना है 675R है ये वाला, इसका कार्बन फाइबर है, आर में एक्स्ट्रा क्या आता है, ये कार्बन फाइबर आता है, वो कार्बन फाइबर आता है, हगर जो आता है सामने वाला कार्बन फाइबर आता है, इसका थोड़ा पावर ज़्यादा आता है, पैनिकली भी आया है न्यू, ये सब तो आप लोगों को दिखा चुके थे। ये टेनर भी है, ये 2015 का है, एनिवर्सरी एडिशन है। अभी चलते हैं घर को, थोड़ा बहुत स्टॉक अपडेट दे दिया आप लोगों को। চাবি দাটা নেবে নাকি এটা নেবে না এ এ এ না শোনো না এ এর তোমার খারাপ কি লাগে এর লুকটাই ভালো লুকস ভালো তার কিছু নেই সো চলতে
और को अगर कोई भी रीजन से आप लोगों को आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। जला आगे बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है। लॉन्ग राइड का भी प्लान बन रहा है, नेक्स्ट मंथ में शायद हो सकता है। लॉन्ग मतलब अच्छा खासा राइड हो सकता है, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। सो अभी चलते हैं, इंस्टाग्राम लिंक दे देंगे हम नीचे। अच्छा अच्छा फोटो वीडियोज डालते रहते हैं उधर, रेगुलर रहते हैं स्टोरीज वगैरह, तो आप लोग फॉलो कर लेना। चलते हैं, जाए दा टाटा टाटा।